Hello, my dear students. Welcome to Starwalk Educare CBSC NCERT series. My name is Neha, your biology teacher. और आज हम देखने वाले हैं class 7 का first chapter, that is a nutrition implant. तो चलिए देखते हैं हम ये chapter में क्या-क्या discuss करने वाले हैं. तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं the introduction of that chapter, जिसमें हम देखेंगे कि nutrition क्या होता है या फिर nutrients क्या होते हैं. Then इसमें हम देखने वाले हैं ये nutrients plants के लिए क्या-क्या क्यों responsible होते हैं. देन हम देखने वाले हैं मोड्स या फिर टाइप्स ऑफ द न्यूट्रिशन, जिसमें ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन आते हैं. देन अदर मोड्स ऑफ द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ द न्यूट्रिशन के अलावा और क्या क्या न्यूट्रिएंट जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो प्लांट्स में फॉलो किए जाते हैं, इसके बारे में हम देखने वाले हैं. देन लास्ट में हम देखने वाले हैं दैट इज अ रिप्लेनिशमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट इन द सॉइल, मतलब सॉइल में कैसे हमें या फिर फार्मर्स को रिप्लेनिश न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करना चाहिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी. तो अगर मैं हमारी बात करूं तो हमें हर एक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, फॉर एग्जांपल हमें काम करने के लिए, स्टडी करने के लिए, साइकिलिंग करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, हर एक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है. तो वो जो एनर्जी है वो हमें मिलती है फूड में, वो एनर्जी जो है वो हमें फूड से मिलती है. तो अब आप कहोगे कि मैम फूड में ऐसा क्या प्रेजेंट होता है जो हमें एनर्जी देता है. तो फूड में प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रिएंट्स. तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमें एनर्जी देते हैं टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपकी बात करूं तो आप किसी दिन विदाउट फूड खाए, मतलब स्कूल चले गए, तो क्या होगा, आप पूरे दिन स्कूल में टायर्ड फील करोगे, आपका स्टडी में मन नहीं लगेगा, आपका खेलने में मन नहीं लगेगा. मतलब हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि न्यूट्रिएंट्स जो है फूड के वो हमें एनर्जी देते हैं टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी. अब हम देखते हैं ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं. न्यूट्रिएंट्स आर नथिंग बट द कॉम्पोनेंट ऑफ द फूड विच गिव्स अस एनर्जी. ये जो न्यूट्रिएंट्स है फूड के कॉम्पोनेंट वो हमें एनर्जी देते हैं टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज. ओके, तो चलिए देखते हैं फूड के कौन से कॉम्पोनेंट होते हैं. तो सबसे पहला फूड का कॉम्पोनेंट होता है दैट इज द कार्बोहाइड्रेट, जो कि रिच सोर्स ऑफ द एनर्जी, मतलब ये जो है मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो है हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है. देन आता है प्रोटीन. तो मैं अगर प्रोटीन की बात करूं तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल जो भी न्यूट्रिएंट होता है वो होता है प्रोटीन. तो मैं अगर आपकी बात करूं तो आपके जो भी अभी धीरे 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 हाइट बढ़ रही है या फिर आपकी डेवलपमेंट हो रही है, दिस इज नथिंग बिकॉज ऑफ द प्रोटीन. बिकॉज इसीलिए आपके पेरेंट्स जो है वो आपको कहते हैं कि बेटा जल्दी जल्दी से दूध का ग्लास जो है वो फिनिश कर लो या फिर एग्स वगैरह खा लो, क्योंकि ये जो प्रोटीन है वो हमारे ग्रोथ के लिए या फिर डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं. देन थर्ड आते हैं फैट्स. तो अगर मैं फैट्स की बात करूं तो फैट जो है वो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ द एनर्जी होता है. तो जब भी हमें एनर्जी लगती है वो हमें स्टोर्ड फॉर्म ऑफ द एनर्जी जो है दैट इज फैट जो है वो एनर्जी हमें अवेलेबल करके देता है. सो दिस फैट्स इज द थर्ड मेजर न्यूट्रिएंट्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स बॉडी. ओके, तो फोर्थ है विटामिन्स. तो विटामिन्स जो है वो भी बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है या फिर विटामिन्स जो है वो भी न्यूट्रिएंट्स एज अ न्यूट्रिएंट एक्ट करता है. देन फिफ्थ जो है मिनरल्स एंड लास्ट जो है वो वाटर. तो ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमें या फिर प्लांट्स के बॉडी को रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज. Now, अब हम देखते हैं नेसेसिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन द प्लांट्स. तो अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो सबसे पहले नेसेसिटी है इट प्रोवाइड द एनर्जी, मतलब न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्लांट को एनर्जी देते हैं टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी. प्लांट्स भी जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, प्लांट्स भी एक्सक्रीशन करते हैं, प्लांट्स भी प्लांट्स के बॉडी में भी सेल डिविजन होता है. उसी के साथ साथ वो हमारे लिए इतने अच्छे कलरफुल फ्लावर्स बनाते हैं, फ्रूट्स बनाते हैं. टू परफॉर्म दैट एक्टिविटी दे रिक्वायर द एनर्जी. देन सेकेंड नेसेसिटी है इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट. तो प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी ये न्यूट्रिएंट्स का मेजर रोल प्ले होता है. देन थर्ड रिपेयरमेंट ऑफ द डैमेज बॉडी पार्ट. तो मैं अगर रिपेयरमेंट की बात करूँ तो हम ह्यूमंस जो है वो प्लांट्स के लीफ या फिर ब्रांचेस या फिर फ्लावर्स जो है वो तोड़ते हैं, तो वही जगह पर नए लीव्स, नए फ्लावर्स या फिर नए फ्रूट जो है वो ग्रो कराते हैं.
सो दिस इज नथिंग बिकॉज ऑफ द रिपेयरमेंट ऑफ द डैमेज बॉडी पार्ट. तो ये जो रिपेयरमेंट होता है वो बॉडी पार्ट का, या फिर बॉडी कहने से अच्छा वो प्लांट के पार्ट का, दिस इज नथिंग बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स. देन न्यूट्रिएंट प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम द डिसीजेस. तो ये जो न्यूट्रिएंट है ये प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं डिसीजेस से. तो आपने कभी प्लांट्स के लीव को, किसी लीव को ऑब्जर्व किया होगा जिसके ऊपर ऐसे ब्लैकिश या फिर ब्राउनिश स्पॉट होते हैं, दिस इज नथिंग बिकॉज द फंगल इन्फेक्शन टू दैट प्लांट. वो प्लांट को फंगल इन्फेक्शन हुआ होता है. टू फाइट दैट इन्फेक्शन या फिर टू फाइट द डिसीज, प्लांट रिक्वायर द एडिक्वेट अमाउंट ऑफ या फिर सफिशियंट अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट. So this is all about the necessity of the nutrient in the plant. Now, अब हम देखते हैं what is nutrition. So the process of taking food and its utilization by the body. मतलब food को खाना और उससे different activities के लिए, like respiration के लिए, excretion के लिए, cell division के लिए, और अगर मैं plants की बात करूँ तो flowers बनाने के लिए, fruits बनाने के लिए food को utilize करना मतलब nutrition. Now, अब हम देखते हैं मोड्स ऑफ द न्यूट्रिशन. सो देर आर टू मोड्स ऑफ द न्यूट्रिशन, लाइक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो अगर हमें ऑटोट्रॉपिक वर्ड का मीनिंग जान लेना होगा तो हम उसे दो वर्ड में स्प्लिट अप कर सकते हैं. सो ऑटोट्रॉपिक वर्ड कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स. सो फर्स्ट इज ऑटो मीन्स सेल्फ, एंड ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन. मतलब ऐसा मोड ऑफ द न्यूट्रिशन या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो खुद का खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच इज फॉलोड बाय देम इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. सो इज ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का या फिर ये ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल है प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया लाइक यूग्लिना जो है वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन को फॉलो करके खुद का खाना खुद बनाता है. नाउ सेकेंड मोड ऑफ द न्यूट्रिशन है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो जैसे हमने ऑटोट्रॉपिक वर्ड को दो वर्ड में स्प्लिट अप किया था, वैसे हम हेटेरोट्रॉपिक वर्ड को भी स्प्लिट अप करते हैं और उसका मीनिंग जान लेते हैं. सो इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज हेटेरो. हेटेरो मीन्स अदर्स, एंड ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन. मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किसी अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ द फूड. तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल लेना चाहूँ कि ह्यूमंस जो है वो कौन सा मोड ऑफ द न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं. तो आप कहोगे कि मैम ह्यूमन जो है वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, बिकॉज ह्यूमन जो है वो प्लांट्स के ऊपर या फिर प्लांट्स के प्रोडक्ट के ऊपर, फॉर एग्जांपल सीरियल और पल्सेस के ऊपर डिपेंड करते हैं, या फिर कोई ह्यूमन जो है वो नॉन वेजिटेरियन होते हैं तो वो जो ह्यूमन है वो किसी एनिमल के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ द फूड. मतलब ह्यूमन जो है वो हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है. सो हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो किसी अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. इसका एग्जांपल है ऑल एनिमल्स. तो ह्यूमंस के साथ साथ बाकी एनिमल्स भी जो है वो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं. देन फंगाई. तो फंगाई की अगर मैं बात करूँ तो फंगाई जो है जो कि डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड करता है, दिस फंगाई इज ऑल्सो फॉलो द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन. तो अब आप कहोगे कि मैम ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में ऐसा क्या प्रेजेंट होता है सो दैट वो उनका खाना खुद बनाते हैं और हम जो है हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स वो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं या फिर किसी अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ द फूड. तो ये जो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एक स्पेशलाइज्ड पिगमेंट होता है, दैट इज द क्लोरोफिल, जो कि उनके सेल में प्रेजेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर प्लांट सेल की बात करूँ, प्लांट सेल में भी स्पेशली मैं लीव सेल की बात करूं जिसमें एक क्लोरोप्लास्ट नाम का ऑर्गेनल होता है. इन दैट क्लोरोप्लास्ट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल पिगमेंट. तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो एक ऑर्गेनल है एंड क्लोरोफिल जो है वो एक पिगमेंट है जो कि एक क्लोरोप्लास्ट नाम के ऑर्गेनल में प्रेजेंट है. यही जो क्लोरोफिल या फिर यही जो क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल है वो हम में या फिर बाकी एनिमल्स में, मतलब हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म में अब्सेंट है. दैट्स व्हाई वी कैन नॉट प्रिपेयर अवर फूड.
नाउ अब हम देखते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो अभी अभी हमने देखा कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या फिर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद का खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। सो जैसे हमने ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक को स्प्लिट अप करके उसका मीनिंग जान लिया था, वैसे हम फोटोसिंथेसिस को भी स्प्लिट अप करेंगे। सो फोटोसिंथेसिस इज कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, फर्स्ट इज अ फोटो, फोटो मींस लाइट एंड सिंथेसिस मींस टू मेक, मतलब लाइट का यूज करके खाना बनाना, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस या फिर फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। तो ये जो फोटोसिंथेसिस है इसकी इंफॉर्मेशन या फिर ये क्या होता है अब हमने ऊपर ऊपर से जान लिया, बट अब हम इसे डीप में जान लेते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस होता क्या है। तो मुझे लगता है ये डेफिनेशन या फिर ये फोटोसिंथेसिस को डीप में जान लेने से पहले हम ये जान लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो प्लांट्स में कहाँ पर होती है। तो हमारे घर में जो भी खाना होता है वो किचन में बनता है, वैसे ही प्लांट में भी पर्टिकुलर रीजन में या फिर पर्टिकुलर पार्ट में जो है वो प्लांट का किचन प्रेजेंट होता है या फिर प्लांट की फूड फैक्ट्री जो है वो प्रेजेंट होती है। तो अगर मैं प्लांट्स के फूड फैक्ट्री की या फिर किचन के प्लांट बात करूं तो प्लांट में जो भी खाना है वो बनता है लीव्स में या फिर जितने भी यंगर स्टेम होते हैं उसमें। तो अब आप कहोगे कि ये जो फूड मेकिंग या फिर ये फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ और सिर्फ लीव्स में है या फिर यंगर स्टेम में ही क्यों हो रहा है, बाकी पार्ट्स में क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज ये जो लीव्स है या फिर ये जो यंगर स्टेम होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं एंड इन दैट ग्रीन कलर, मतलब वो जो ग्रीन कलर के पार्ट्स होते हैं स्पेशली लीव्स सेल की अगर मैं बात करूँ, जिसमें क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है। और ध्यान रखना जो क्लोरोफिल पिगमेंट या फिर क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर के पार्ट में ही प्रेजेंट होता है। और प्लांट को अगर हम देखेंगे तो प्लांट का ग्रीन कलर का पार्ट होता है लीव्स या फिर यंगर स्टेम। सो इन दैट लीव्स या फिर इन दैट यंगर स्टेम द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। नाउ अब हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन के बारे में। So the process by which green plants make their own food from carbon dioxide, water, in presence of sunlight and chlorophyll is known as a photosynthesis. तो मैंने यहाँ पर जो भी चार वर्ड को या फिर चार मटेरियल को अंडरलाइन किया है, ये सारे के सारे मटेरियल जो है वो प्लांट्स के या फिर फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन में लिखना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। बिकॉज अगर ये चारों भी मटेरियल में से एक भी मटेरियल आपके डेफिनेशन में अब्सेंट रहा तो आपको वहां पर मार्क्स नहीं मिलेगी, बिकॉज ये चारों भी मटेरियल जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है। सो ऐसी फूड मेकिंग प्रोसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट जो है वो खुद का खाना खुद बनाते हैं बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल इज नोन एज द फोटोसिंथेसिस। नाउ यही फोटोसिंथेसिस को अब हम एक डायग्राम के थ्रू देखते हैं। तो जब हमने क्लोरोफिल के बारे में देखा तो मैंने अभी अभी आपको कहा कि क्लोरोफिल जो है ग्रीन पार्ट्स में प्रेजेंट होता है, ग्रीन पार्ट्स में भी मतलब लीव्स में प्रेजेंट होता है, मतलब हम यहाँ पर ऐसा कह सकते कि ये लीव्स में क्लोरोप्लास्ट नाम का ऑर्गेनल प्रेजेंट है जिसमें क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट है। सो व्हेन द सनलाइट एंटर इन दैट क्लोरोफिल, तो ये जो सनलाइट है ये क्लोरोफिल के अंदर ट्रैप हो जाता है। आफ्टर दैट ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है ये भी ये प्लांट्स के पार्ट मतलब प्लांट्स के लीव्स के अंदर एंटर होता है। व्हेन सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल कंबाइंस विद ईच अदर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट। तो जब हमने इंट्रोडक्शन देखा तब हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो रिसोर्स ऑफ द एनर्जी है, मतलब ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्लांट्स को एनर्जी देते हैं टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी। देन इसी के साथ साथ एक बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है दैट इज ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है वो हम ह्यूमंस यूटिलाइज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ द रेस्पिरेशन के लिए। नाउ अब हम देखते हैं रॉ मटेरियल्स विच इज रिक्वायर फॉर द फोटोसिंथेसिस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हमारी बात करूँ तो हमें हर एक फूड बनाने के लिए या फिर कुछ भी खाने के लिए बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हमारी बात करूँ तो हमें रोटी बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल हमें रोटी बनाने के लिए
आटे की जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है डव बनाने के लिए, बाउल की जरूरत होती है, सॉल्ट की जरूरत होती है इन फॉर दैट। वैसे ही प्लांट्स में भी रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है टू मेक द फूड। सो सबसे पहला रॉ मटेरियल है वाटर। तो वाटर जो है वो प्लांट्स को सॉइल से मिलता है। तो सॉइल में वाटर जो आता है वो आता है रेनिंग से। तो ये जो सॉइल में जो भी वाटर प्रेजेंट है वो एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स के रूट और उसे ट्रांसफर करते हैं लीव्स में वेयर द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। तो ये जो वाटर है वो रूट से लेकर लीव्स तक ट्रांसफर होता है बाय वन पाइपलाइन या फिर बाय वन वेसल विच इज द जाइलम वेसल। तो जाइलम एक ऐसा वाटर कंडक्टिंग टिश्यू है जो कि वाटर को रूट से लेकर लीव्स तक पहुंचाता है। जैसे हमारे घर में नीचे से पानी ऊपर टंकी में जाने के लिए पाइपलाइंस प्रेजेंट होती है, वैसे ही प्लांट्स में भी फूड या फिर वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए जाइलम और फ्लोएम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। और जाइलम जो है वो वाटर कंडक्शन का काम करता है और फ्लोएम जो है वो फूड कंडक्शन का काम करता है। सेकेंड है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस है, मतलब गैसेस फॉर्म में हमारे एनवायरमेंट में प्रेजेंट होता है जो कि प्लांट्स के लीव्स के थ्रू प्लांट के बॉडी में एंटर करता है। देन थर्ड रॉ मटेरियल है सनलाइट। तो सनलाइट जो है वो प्लांट्स को सन रेस से मिलता है। फोर्थ जो है वो है मिनरल्स। तो जो सॉइल होती है वो सॉइल में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वाटर के साथ साथ वो लीव्स में या फिर फोटोसिंथेसिस के प्लेस तक ट्रांसफर होते हैं। देन फिफ्थ इज द क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के बारे में हमने डिटेल में देख ही लिया है कि क्लोरोफिल जो है वो एक ऐसा पिगमेंट है जो कि क्लोरोप्लास्ट नाम के ऑर्गेनल में प्रेजेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रॉ मटेरियल्स व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। नाउ अब तक हमने फोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है या फिर उसकी डेफिनेशन उसे डायग्राम के थ्रू जान लेने की कोशिश की है। अब हम फोटोसिंथेसिस को एक इक्वेशन के थ्रू समझ लेते हैं। सो व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद द वाटर, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में से प्लांट्स को मिलता है। व्हेन दिस कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड विद द वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इट गिव्स द ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट्स। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्लांट्स को एनर्जी देते हैं टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। नाउ इसी के साथ साथ एक बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है दैट इज ऑक्सीजन जो कि प्लांट्स के लीव्स के थ्रू एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया जाता है। एंड दिस ऑक्सीजन जो है वो हम ह्यूमन यूटिलाइज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ द रेस्पिरेशन। नाउ अब हम देखते हैं कॉम्पोनेंट नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो ये जो कॉम्पोनेंट है हमने रॉ मटेरियल्स में देख लिए हैं बट अब हम ये जो कंपोनेंट है जो कि हमने यहाँ पर दिए हुए हैं उसे हम डिटेल में जान लेते हैं, मतलब ये कंपोनेंट का फंक्शन कहाँ क्या है या फिर ये कंपोनेंट कहाँ पर प्रेजेंट है। तो सबसे पहला कंपोनेंट है दैट इज ए क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो है वो एक पिगमेंट है जो कि एक क्लोरोप्लास्ट नाम के ऑर्गेनल में प्रेजेंट है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्लांट्स के ग्रीन पार्ट्स में प्रेजेंट है, मतलब स्पेशली लीव्स में प्रेजेंट है जो कि कुछ ऐसा दिखता है। तो ये जो है ये क्लोरोप्लास्ट है जिसमें आपको एक बंच ऑफ द कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, मतलब आपको यहाँ पर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर दिखेंगे। दिस बंच ऑफ द कॉइन इज कॉल्ड एज अ ग्राना। तो ये बंच ऑफ द कॉइन को हम कहेंगे ग्राना। और अगर मैं ये बंच ऑफ द कॉइन में से एक कॉइन को सेपरेट करूं तो उसे हम कहेंगे थायलाकॉइड्स। देन अगर मैं हमारे सेल की बात करूँ तो हमारे सेल में जैसे सेल में साइटोप्लाज्म होता है या फिर न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, वैसे ही हर एक ऑर्गेनल में उसका ओन जो है वो फ्लूइड प्रेजेंट होता है। द फ्लूइड विच इज एंड द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड एज द स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा क्या है? स्ट्रोमा जो है एक ऐसा फ्लूइड है जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। इन दैट स्ट्रोमा, ये स्ट्रोमा में फ्लूइड में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो भी क्लोरोफिल है वो ये स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। नाउ अब हम देखते हैं क्लोरोफिल का फंक्शन। सो द मेजर फंक्शन ऑफ दैट क्लोरोफिल इज टू ट्रैप द सनलाइट।
तो सनलाइट को ट्रैप करना यही फंक्शन होता है क्लोरोफिल का. नाउ दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट कॉम्पोनेंट, दैट इज द क्लोरोफिल. नाउ सेकेंड कॉम्पोनेंट इज द कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे एनवायरनमेंट में गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो कि हम ह्यूमंस जो है वो ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, वहां से प्लांट्स को मिलता है. मतलब वो जो हम एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं वो प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ देयर रेस्पिरेशन. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स में कैसे एंटर होता है इसके बारे में अब हम देखते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमंस जो होता है वो नोज के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, वैसे ही प्लांट्स में नोज तो प्रेजेंट नहीं होता है बट इनके लीव्स के ऊपर कुछ ऐसे माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे कहा जाता है स्टोमेटा. स्टोमेटा इज नथिंग बट द पोर्स विच इज प्रेजेंट ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट. तो अगर हम इतने सारे पोर्स में से एक पोर को मतलब स्टोमा को माइन्यूटली या फिर माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा जो कि जिसमें आपको बीच में एक गैप दिखाई देती होगी या फिर बीच में एक कैविटी दिखाई देती होगी. फ्रॉम दैट कैविटी द गैसेस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, मतलब जहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स के अंदर एंटर होता है और ऑक्सीजन जो है वो गैप से या फिर वो कैविटी से प्लांट्स के आउट ऑफ द बॉडी आउट ऑफ द पार्ट रिलीज किया जाता है. तो देन ये कैविटी के साइड में आपको टू लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते होंगे. दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ गार्ड सेल. तो जैसे सोसाइटीज में या फिर बिल्डिंग्स में सिक्योरिटी गार्ड होते हैं जो कि किसी पर्सन को अंदर आने देना है या फिर उसे बाहर ही रहने देना है उसे गार्ड करते हैं, जस्ट लाइक दैट यहाँ पर गार्ड सेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं जो कि गैसेस को अंदर आने देना है या फिर गैसेस को बाहर ही रहने देना है, उसकी एंट्री को या फिर एग्जिट को गार्ड करते हैं. एंड द सेल विच गार्ड दैट एंट्री या फिर एग्जिट ऑफ दैट गैसेस इज कॉल्ड एज द गार्ड सेल. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टोमेटा इन विच द कार्बन डाइऑक्साइड इज एंटर इन द प्लांट. थर्ड कॉम्पोनेंट जो है वो वाटर. तो अभी अभी हमने वाटर के बारे में देख लिया है कि वाटर जो है वो प्लांट्स में एंटर करता है फ्रॉम द सॉइल. तो सॉइल से वो प्लांट्स के रूट तक जाता है और रूट से लेकर लीव्स तक जाता है, दैट इज फ्रॉम द वन पाइपलाइन या फिर वन वेसल विच इज द झाइलम. झाइलम के थ्रू वाटर का कंडक्शन होता है रूट से लेकर लीव्स तक जहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो परफॉर्म की जाती है. इसी के साथ साथ मिनरल्स जो कि सॉइल में प्रेजेंट है वो वाटर के साथ साथ झाइलम के थ्रू जो है वो प्लांट्स के लीव तक पहुँचा दिए जाते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्पोनेंट्स नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस. Now, अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस. तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हमारी बात करूँ तो हमें हर एक फूड बनाने के लिए या फिर सब्जी बनाने के लिए या फिर रोटी बनाने के लिए हर एक चीज जो होती है वो एप्रोप्रिएट कॉन्सेंट्रेशन में चाहिए होती है. फॉर एग्जाम्पल मैं अगर सब्जी की बात करूँ तो हमें उसमें सॉल्ट एप्रोप्रिएट कॉन्सेंट्रेशन में चाहिए होता है, स्पाइसेस एप्रोप्रिएट कॉन्सेंट्रेशन में चाहिए होते हैं, उसमें हमें वाटर भी एप्रोप्रिएट कॉन्सेंट्रेशन में चाहिए होता है. जस्ट लाइक दैट अगर प्लांट को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म करनी हो तो प्लांट्स को ये सारे मटेरियल जो है वो एक एप्रोप्रिएट कॉन्सेंट्रेशन में चाहिए होते हैं. अगर ये मटेरियल में कोई भी मटेरियल अगर कम ज़्यादा हो जाए तो वो अफेक्ट कर सकता है प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस के रेट को. सो फर्स्ट फैक्टर है दैट इज द लाइट. सो लाइट वेरीज इन द इंटेंसिटी एंड क्वालिटी. लाइट जो है वो इंटेंसिटी और क्वालिटी से वेरी करता है. तो अगर मैं इंटेंसिटी की बात करूं तो लाइट की इंटेंसिटी जो है वो कम ज्यादा होती है. मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी रेनी सीजन जो शुरू है रेनी सीजन की बात करूं, जिस दिन क्लाउडी डेज होते हैं एट दैट टाइम लाइट की इंटेंसिटी जो है वो कम होती है. सो व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लेस ड्यूरिंग द क्लाउडी डेज द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो डिक्रीजेस. मतलब हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट is less, the rate of photosynthesis also decreases. Then, अगर मैं second
कंडीशन की बात करूं, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज मोर ड्यूरिंग द समर डेज, तो एट दैट टाइम द फोटोसिंथेसिस इज इंक्रीजेस। ये यहाँ पर मैंने बात की है क्लाउडी डेज की, जिस दिन रेनी सीजन सॉरी जिस दिन लाइट की इंटेंसिटी जो है वो कम है, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं समर सीजन की, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मोर। सो एट दैट टाइम द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इंक्रीजेस बट अप टू द सर्टन लिमिट, मतलब कुछ ही लिमिट तक फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो इंक्रीज होता है जब लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा हो, ना तो फोटोसिंथेसिस का रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना तो कम होता है, वो मॉडरेट या फिर नॉर्मल लेवल में होता है। सो दीज आर द टू कंडीशंस, तो फर्स्ट कंडीशन है क्लाउडी डेज में और सेकेंड कंडीशन है समर सीजन में, या फिर जब ऐसी कंडीशन जिसमें लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। नाउ सेकेंड कंडीशन है दैट इज द क्वालिटी। तो जैसे आपने कभी रेनबोज देखा होगा जिसमें 7 कलर्स होते हैं, वैसे ही 7 कलर्स जो है वो हमारे लाइट में होते हैं, तो लाइट की भी क्वालिटी होती है, मतलब लाइट की भी अच्छी क्वालिटी होती है, लाइट की भी थोड़ी कम बुरी क्वालिटी होती है। सो व्हेन द क्वालिटी ऑफ द रेड एंड वायलेट लाइट When the quality of red and violet light is more in our environment या फिर in our atmosphere या फिर in our sunlight, the photosynthesis is the rate of the photosynthesis increases या फिर normal level पर होता है। But वही अगर ये red और violet light की intensity हमारे environment में कम होगी तब photosynthesis का rate जो है वो ultimately decrease हो जाएगा। So this is all about the first condition that is the light के बारे में। सो सेकेंड कंडीशन है कार्बन डाइऑक्साइड। तो व्हेन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीजेस इन अवर एनवायरमेंट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज आल्सो इंक्रीजेस। फोटोसिंथेसिस आल्सो इंक्रीजेस। देन ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट्स में किसके थ्रू एंटर होता है इसके बारे में हमने देख ही लिया है, बट आपने यहाँ पर इतना ही लिखना है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, बट अप टू द सर्टन लिमिट तक ही इंक्रीज होगा। थर्ड कंडीशन है वॉटर। तो जब वॉटर का अमाउंट प्लांट में डिक्रीज हो जाएगा रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस भी डिक्रीज हो जाएगा, और इसी के साथ साथ फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो तो डिक्रीज हो ही जाएगा बट ट्रांसपिरेशन के भी प्रोसेस यहाँ पर डिक्रीज हो जाएंगे। ओके, व्हेन द देन सेकंड कंडीशन है व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर इज इंक्रीजेस इन द प्लांट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इंक्रीजेस। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो इंक्रीज होता है, बट यहाँ पर भी आपको अप टू द सर्टन लिमिट लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देन लास्ट फैक्टर आता है दैट इज द टेम्परेचर। तो अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो फोटोसिंथेसिस के लिए एक एप्रोप्रिएट टेम्परेचर प्लांट्स को चाहिए होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर टेम्परेचर जो 40 डिग्री सेल्सियस है तो 40 डिग्री सेल्सियस में फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो नॉर्मल होगा, बट वही टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेल्सियस से 42 या फिर 44 डिग्री सेल्सियस हो जाए एट दैट टाइम फोटोसिंथेसिस का रेट जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कम हो जाएगा। देन वही टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा कम भी हो जाए, मतलब 35 या फिर 32 हो जाए, तो वो भी वहाँ पर भी रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस आल्सो डिक्रीजेस। सो दिस आर ऑल अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। नाउ अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फर्स्ट, फोटोसिंथेसिस मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द एनवायरनमेंट। तो ये जो फोटोसिंथेसिस है वो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का बैलेंस जो है वो मेंटेन करता है। तो जब हमने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखी थी उसमें हमने देखा था कि ऑक्सीजन जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में रिलीज होता है, जो कि हम ह्यूमन यूटिलाइज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। तो हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है वो मेंटेन होता है।
then it also provides us the oxygen for the respiration. Then important biological process on which all living organisms depends directly or indirectly for the food. तो फोटोसिंथेसिस अगर प्लांट्स परफॉर्म करेंगे तो ही वो हमारे लिए खाना बना पाएंगे, तो ही वो हमारे लिए ग्रेन्स, पल्सेस या फिर जितने भी खाने के फ्रूट्स या फिर बाकी की चीजें होती है वो बना पाएंगे. दैट्स व्हाई द फोटोसिंथेसिस इज नेसेसरी. नाउ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्रोवाइड्स द एनर्जी इन टर्म्स ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोल ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट्स. तो अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म करेंगे तो ही वो जिंदा रह पाएंगे और तो ही वो हमें कोल या फिर अदर फ्यूल जो है वो दे पाएगी. सो दिस इज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस. तो अभी अभी हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो ग्रीन कलर के पार्ट्स में, मतलब ग्रीन कलर के लीव्स में होती है. बट अब आप कहोगे कि मैम हमारे घर पे शोपीस वाले प्लांट्स हैं जिनके कलर, जिनके लीव्स के कलर जो है वो डिफरेंट है, मतलब कुछ लीव्स के कलर रेड है, ब्राउन है या फिर पर्पल है, तो क्या उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो परफॉर्म नहीं होती है? तो वो जो आपके घर में कलरफुल लीव्स है फ्लावर के या फिर कोई भी प्लांट्स के, उनमें भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होती है, क्योंकि उनमें भी जो है वो क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है. तो फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ के येलो कलर के लीव की बात करूँ जिसमें क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट प्रेजेंट है, तो अब आप कहोगे कि फिर मैम इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट है तो ये ग्रीन क्यों नहीं है? बिकॉज ये येल्लो कलर का दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें जो है वो येल्लो कलर का पिगमेंट ज्यादा है. वही अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें वॉयलेट कलर का पिगमेंट ज्यादा है, दैट्स वाई ये वॉयलेट कलर का दिखता है. बट ये सारे कलरफुल लीव्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होती है. सो दिस इज ऑल अबाउट द रेड, ब्राउन या फिर पर्पल कलर ऑफ द लीव्स. ओके, नाउ सेकेंड इज द अल्गी. तो अल्गी के बारे में आपने पहले कभी सुना होगा, जिसे हिंदी में काई कहा जाता है. तो ये जो अल्गी है वो ग्रीन कलर का होता है. तो ग्रीन कलर का होने की वजह से इसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसके पास क्लोरोफिल है, देन सेकंड इसके पास वाटर है, इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी है, इसके पास सनलाइट भी है. सो दैट्स व्हाई ये जो अल्गी है जो कि स्टैग्नेंट वाटर में मिलता है, मतलब आपके घर के आसपास जो भी स्टैग्नेंट वाटर होता है वहां पर ये अल्गी जो है वो पाया जाता है. दिस अल्गी परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो कि जिसके थ्रू वो जो है वो खुद का खाना खुद बनाती है. ओके, नाउ अब हम देखते हैं सिंथेसिस ऑफ न्यूट्रिएंट्स अदर देन दी कार्बोहाइड्रेट. तो जब हमने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस देखे जिसमें हमने देखा कि वहां पर एक कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्मेशन होता है, बट व्हाट अबाउट द अदर न्यूट्रिएंट, मतलब व्हाट अबाउट द प्रोटीन, व्हाट अबाउट द फैट्स, मिनरल्स और वाटर तो है वो प्लांट्स को मतलब सॉइल से मिल ही रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द प्रोटीन, व्हाट अबाउट द फैट्स? सो अदर देन कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर प्रोटीन्स और फैट्स. Then, however, the synthesis of protein require the nitrogen. तो ये जो protein का synthesis होता है, इसके लिए plants को nitrogen की ज़रूरत होती है. तो ये जो nitrogen है, जो कि हमारे environment में gaseous form में present होता है, वो plants को available करके दिया जाता है by the one bacteria whose name is the rhizobium bacteria. तो राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो कि प्लांट्स में, स्पेशली लेग्यूमिनस प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है. तो फॉर एग्जांपल अभी अभी मैंने कहा कि नाइट्रोजन जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट होता है. तो गैसेस फॉर्म में तो वो प्रेजेंट होता है, बट जब हमने स्टोमेटा के बारे में कहा था, स्टोमेटा में हमने देखा था कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, बट मतलब ये और नाइट्रोजन फिर प्लांट्स के बॉडी में कैसे एंटर होता है? दिस नाइट्रोजन या फिर ये जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स के बॉडी में एंटर होता है बाय विद द हेल्प ऑफ द वन बैक्टीरिया दैट इज फ्रॉम द राइजोबियम बैक्टीरिया. तो आपको यहाँ पर किसी प्लांट्स के रूट्स के ऊपर कुछ ऐसे व्हाइटिश नोड्यूल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते होंगे, दिस इज द राइजोबियम बैक्टीरिया जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है. आप हमारे वीडियोज जो है वो कंटिन्यूअसली देखते होंगे, बट आपको अगर आपके नॉलेज को टेस्ट करना रहा तो आपको बहुत सारी टेस्ट देनी पड़ेगी, और वही जो फ्री टेस्ट है वो आपको मिलेगी स्टारमार्क एजुकेयर ऐप के ऊपर. इसी के साथ साथ आपको ये ऐप के ऊपर मिलेगा रिजल्ट एनालिसिस
दिस इज पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस अबाउट आवर वीडियोस, और उसी के साथ साथ बहुत सारे लाइव कोर्सेज को आपको यहाँ पर एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा। तो इसके लिए आपको स्टार मार्क एजुकेयर ऐप डाउनलोड करना है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। तो चलिए वापस आते हैं हम हमारे टॉपिक के ऊपर। नाउ अब हम देखते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट्स। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऐसा मोड ऑफ द न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो है वो किसी और ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ द फ्रूट। तो ये जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो कुछ प्लांट्स में भी देखा जाता है। तो दिस टाइप ऑफ द मोड ऑफ द न्यूट्रिशन इज सीन इन द प्लांट्स लाइक कस्क्यूटा। तो कस्क्यूटा में हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन को देखा जाता है, जिसे अमरबेल भी कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा बेल लाइक या फिर अमरबेल दिखाई देता होगा, जिसका कलर जो है वो येल्लो कलर है। बिकॉज ऑफ दैट येल्लो कलर ये प्लांट जो है वो खुद का खाना खुद नहीं बनाता है, और ये किसी अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, मतलब किसी अदर प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है उसके फूड के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ये प्लांट की बात करूँ जिसके ऊपर ये कस्क्यूटा रैप हुआ है, जिसमें ये कस्क्यूटा जो है वो पैरासाइट होगा, और ये प्लांट जो है जिसके ऊपर वो कस्क्यूटा रैप हुआ है वो होस्ट होगा। मतलब हम यहाँ पर ऐसा कह सकते कि कस्क्यूटा पैरासाइट जो है वो होस्ट प्लांट से उसका न्यूट्रिशन जो है वो ले रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। नाउ अब हम देखते हैं पैरासिटिक प्लांट्स के टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहला टाइप होता है टोटल पैरासिटिक प्लांट्स, देन सेकंड टाइप होता है पार्शियल पैरासिटिक प्लांट्स। तो टोटल पैरासिटिक प्लांट्स मतलब यहाँ पर टोटल वर्ड आया है, ये टोटल वर्ड से ही हमें समझ में आता है कि ये जो है ये प्लांट जो है वो टोटली डिपेंड करता है किसी अदर प्लांट्स के ऊपर फॉर द पर्पज ऑफ द फूड। तो इसका एग्जाम्पल है कस्क्यूटा, जिसका अभी अभी हमने देख लिया है। देन है रेफिलशिया, जो कि रूट पैरासाइट है, मतलब वो किसी होस्ट प्लांट के रूट से उसका फूड जो है वो लेता है। देन अगर मैं पार्शियल पैरासिटिक प्लांट्स की बात करूँ, तो पार्शियल पैरासिटिक प्लांट जो है वो किसी अदर प्लांट्स के ऊपर डिपेंड, पार्शियली डिपेंड करेंगे किसी फूड के अलावा किसी अदर कॉम्पोनेंट के लिए। तो दिस पार्शियल पैरासिटिक प्लांट्स आर ग्रीन इन कलर, दैट्स व्हाई दे आर परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पर मिस्टेलटोई की बात करूँ, जो कि किसी अदर प्लांट्स के ऊपर ग्रो करा हुआ है और जिसका कलर ग्रीन है, बिकॉज ऑफ दैट ग्रीन कलर ये मिस्टेलटोई जो है वो खुद का खाना खुद बनाता है, बट इट कैन डिपेंड ऑन अनदर प्लांट फॉर द पर्पज ऑफ द वॉटर एंड मिनरल्स के लिए। वॉटर और मिनरल्स के लिए वो किसी अदर प्लांट्स के ऊपर ग्रो करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ द पैरासिटिक प्लांट। नाउ अब हम देखते हैं इंसेक्टिवरस प्लांट्स के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये जो इंसेक्टिवरस प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, वो उनका खाना बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट दे फीड ऑन इंसेक्ट फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग नाइट्रोजन। मतलब यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि वो जो भी सॉइल में ग्रो कर रहे हैं, स्पेशली इंसेक्टिवरस प्लांट्स, वो सॉइल में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी, दैट्स वाई वो जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी उनके बॉडी में हो रही है वो उन्हें किसी अदर ऑर्गेनिज्म से फुलफिल करनी पड़ेगी। दैट्स वाई ये जो इंसेक्टिवरस प्लांट्स है वो इंसेक्ट खाते हैं और इंसेक्ट के बॉडी से वो नाइट्रोजन जो है वो लेते हैं। तो सबसे पहले इंसेक्टिवरस प्लांट्स का एग्जांपल है दैट इज द पिक्चर प्लांट, एंड सेकंड एग्जांपल है वीनस फ्लाईट्रैप प्लांट। तो पिक्चर प्लांट को देख के आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि ये जो पिक्चर प्लांट है इसका फ्लावर होगा, बट दिस इज नॉट द फ्लावर ऑफ दैट पिक्चर प्लांट, दिस इज अ मॉडिफाइड लीफ ऑफ दैट पिक्चर प्लांट, जो कि मॉडिफाई हुआ है लीफ को, सॉरी लीफ को मतलब इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए। तो जैसे इंसेक्ट यहाँ पर आकर बैठ जाता है, जो कि नेक्टर खाने के लिए यहाँ पर आता है, तो इंसेक्ट जैसे ही नीचे नेक्टर खाने के लिए चला जाएगा, ये ओपनिंग जो है वो पिक्चर प्लांट की, वो ये ऊपर वाले लीड से कवर कर दी जाएंगी, जिसके जिसके थ्रू जो है, मतलब जिसके वजह से जो है वो इंसेक्ट जो कि अंदर जा चुका है वो बाहर नहीं जा पाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे डाउनवर्ड डायरेक्शन में हेयर्स होंगे, जिसके वजह से इंसेक्ट जो है वो नीचे नीचे पुश होगा और बाहर नहीं जा पाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द पिक्चर प्लांट। देन सेकेंड अगर मैं वीनस फ्लाई ट्रैप की बात करूँ, तो इसके नाम से ही हमें ध्यान में आ रहा है कि ये जो है ये फ्लाई को ट्रैप कर रहा है। तो यहाँ पर आपको बीच में कुछ पिंकी स्ट्रक्चर दिखाई देता होगा, इन दैट पिंकी स्ट्रक्चर देर इज अ प्रेजेंस ऑफ द सेंसरी हेयर, जो कि सेंस करते हैं कि वहां पर इंसेक्ट बैठा है या नहीं। तो जैसे इंसेक्ट वो पिंक कलर के हेयर के कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो ये जो हेयर है वो ओवरलैपिंग हेयर, मतलब साइड वाले हेयर्स को जो है वो मैसेज देते हैं, और साइड वाले जो भी
दो लीप लाइक स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप होके और मतलब ओवरलैप होके वो उसकी ओपनिंग जो है वो क्लोज कर देते हैं, सो दैट कि इंसेक्ट जो है वो अंदर ट्रैप हो जाता है। और इंसेक्ट अंदर ट्रैप होने के बाद वहां पर डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट किया जाता है और वहां से नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पिचर प्लांट एंड वीनस फ्लाईट्रैप प्लांट जो कि इंसेक्ट को ट्रैप करता है नाइट्रोजन लेने के लिए। नाउ अब हम देखते हैं अदर मोड्स ऑफ द न्यूट्रिशन इन प्लांट, जिसमें सबसे पहला आता है सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन। तो सैप्रोट्रॉप्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर या फिर डेड एंड डिकेइंग एनिमल मैटर्स। सो इसका एग्जांपल है फंगी एंड बैक्टीरिया। तो मैं अगर फंगी की बात करूँ तो हम कभी एक दो दिन के लिए या फिर कहीं बाहर घूमने चले जाए तो हमारे घर में जो भी लेफ्ट ओवर फूड होता है, स्पेशली रोटी जो होती है जिसके ऊपर कुछ ऐसे व्हाइटिश कलर के हेयर्स जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो ग्रो कराते हैं, सो दिस इज नथिंग बट द फंगी। वो जो है वो फंगी होती है जो कि वो डिकेइंग फूड से उनका न्यूट्रिशन जो है वो ले रही होती है। तो ये जो फंगाई है वो सैप्रोट्रोपिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। सो दिस फंगाई इज एबुडेंट इन वार्म एंड ह्यूमिड एनवायरमेंट। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम वो रोटी के ऊपर का या फिर ब्रेड के ऊपर का जो भी स्ट्रक्चर है फंगा है उसे माइन्यूटली माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा जो कि एक स्पोरेंजियम लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। सो दिस इज द स्पोरेंजियम। इनसाइड द स्पोरेंजियम देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ स्पोर्स। सो ये जो स्पोर है ये एनवायरनमेंट में जैसे स्पोरेंजियम बर्स्ट हो जाता है ये स्पोर जो है वो एनवायरनमेंट में स्कैटर हो जाता है, और जैसे ही ये स्पोर को वार्म एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट मिलती है वहां पर वो जाकर बैठ जाते हैं और उनकी कॉलोनीज को ग्रो करते हैं। एंड फर्स्ट दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द ब्रेड मोल्ड। देन फंगी रिप्रोड्यूस टू दी स्पोर, जबकि अभी अभी हमने देखा है जो कि स्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। Now, second example of the saprotrophs is the bacteria. So, many bacteria show the saprotrophic mode of the nutrition, जो कि dead and decaying organic matter के ऊपर depend करते हैं, especially animal excreta, vegetables या फिर fruits. तो जो भी vegetables या फिर fruits होते हैं बहुत दिनों से रखे हुए वाले, उनसे बहुत ज्यादा गंदी smell आती है because उनके ऊपर bacteria जो है वो present होते हैं जो कि उनसे उनका खाना जो है वो ले रहे होते हैं। तो ये bacteria का example है pseudomonas, जो कि animal excreta में मिलता है, vegetables में मिलता है या फिर fruits में मिलता है, और ये जो pseudomonas है वो saprotrophic mode of the nutrition को follow करता है। तो अब हम देखते हैं सिम्बायोसिस के बारे में। तो सिम्बायोसिस का एक हम पहले तो एक एग्जांपल के थ्रू सिम्बायोसिस क्या है उसे समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप हो और आपके बेस्ट फ्रेंड हो, ओके? तो जस्ट इमेजिन कीजिए एक दिन आप स्कूल में सिर्फ और सिर्फ वाटर बॉटल लेकर गए और आपने टिफिन घर पर ही भूल दिया, ओके? वही अगर आपके फ्रेंड की अगर मैं बात करूं तो उसने टिफिन लाया और वो वाटर बॉटल घर पर भूल गया, तो क्या होगा? स्कूल में जब आपके टिफिन खाने की रिसेस होगी तब आप क्या करोगे? आप एक दूसरे के साथ फूड मतलब टिफिन और वाटर का शेयरिंग करोगे। तो आप दोनों में जो भी रिलेशनशिप है वो होगी बेस्ट फ्रेंड की। वैसे ही प्लांट्स में भी होता है, मतलब प्लांट जो है वो शेल्टर का और न्यूट्रिएंट का शेयरिंग करते हैं, एंड वो दोनों में जो एसोसिएशन होता है उसे कहा जाता है सिम्बायोसिस। सो सम ऑर्गेनिज्म स्पेशली प्लांट जो है वो लिव टुगेदर एंड दे शेयर द शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट, एंड दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज अ सिम्बायोसिस रिलेशनशिप एंड द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज अ सिम्बायोटेंट। तो यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स को सिम्बायोटेंट कहा जाता है, और जो सिम्बायोटेंट न्यूट्रिएंट का और शेल्टर का शेयरिंग करते हैं उस रिलेशनशिप को कहा जाता है सिम्बायोसिस, जिसमें सबसे पहला एग्जांपल है अल्गी और फंगाई का। तो अल्गी जो है वो फंगाई को फूड देता है बिकॉज अल्गी जो है वो ग्रीन कलर के होते हैं, बिकॉज ऑफ दैट ग्रीन कलर अल्गी प्रिपेयर इट्स ओन फूड। अगर मैं फंगाई की बात करूं तो फंगाई जो है वो अल्गी को रहने के लिए शेल्टर देता है, बिकॉज फंगाई जो है वो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि अल्गी जो है वो फंगाई को फूड दे रहा है और फंगाई जो है वो अल्गी को शेल्टर दे रहा है। द सेकेंड एग्जाम्पल इज द माइकोराइजा। माइकोराइजा इज अ एसोसिएशन बिटवीन प्लांट्स एंड द फंगाई, जिसमें प्लांट्स जो है वो फंगाई को रहने के लिए जगह दे रहे हैं और फंगाई जो है वो प्लांट्स को
न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में या फिर न्यूट्रिएंट्स का मोर और मोर सप्लाई कर रहा है। देन थर्ड एग्जांपल इज द लेग्यूमिनस प्लांट्स और राइजोबियम, जिसके बारे में हमने देख ही लिया है, बट मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। मतलब एनवायरनमेंट में जो भी गैसेस फॉर्म में नाइट्रोजन होता है उसे सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करके प्लांट्स को अवेलेबल करके देता है, स्पेशली लेग्यूमिनस प्लांट्स को अवेलेबल करके देता है टू सिंथेसिस द प्रोटीन। सो दिस इज ऑल अबाउट द सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। तो अब हम देखते हैं क्यूरियस फैक्ट के बारे में। तो अभी अभी हमने जो भी लाइकेन देखा, जो कि एल्गी और फंगाई का एसोसिएशन था, दिस लाइकेन आर ग्रेट इंडिकेटर ऑफ द एयर क्वालिटी। मतलब साइंटिस्ट जो है वो ये लाइकेन का यूज करके, ये लाइकेन में से किसी सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट करके जान ले सकते हैं कि वो एनवायरमेंट में कितना पॉल्यूशन है या फिर कितने टॉक्सिन्स प्रेजेंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्यूरियस फैक्ट। हमारा लास्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट इन द सॉइल। तो क्या होता है, कुछ फार्मर्स जो है वो कंटिन्यूअस क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अभी अगर रेनी सीजन शुरू है तो वो ये रेनी सीजन में सोयाबीन प्लांट्स का कल्टीवेशन करेंगे। देन तुरंत रेनी सीजन आने के बाद जो भी विंटर सीजन आता है वो विंटर सीजन में किसी और प्लांट का, फॉर एग्जाम्पल चिकपी का कल्टिवेशन करेंगे। देन विंटर सीजन के बाद जो भी समर सीजन आएगा, अगर उनके पास इरिगेशन की प्रोसेस या फिर इरिगेशन की मेथड अवेलेबल होगी तो वो फिर समर में भी क्रॉप का प्रोडक्शन करेंगे। मतलब यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर कंटिन्यूअस क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है या फिर कल्टीवेशन हो रहा है। तो क्या होता है, उनकी सॉइल जो है वो न्यूट्रिएंट से डेफिशिएंट हो जाती है। तो यही फार्मर को जो है ये न्यूट्रिएंट को रिप्लेनिश करना पड़ता है उनके सॉइल में। ओके, सो प्लांट्स एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। So continuous crop production makes the soil from deficient like NPK nutrients. So there is need to add this nutrient in the soil. So farmer can add this nutrient in the soil by two ways. First is adding manure and fertilizer. तो manure जो है वो natural होता है, for example cow dung या फिर जो भी earthworm का humus होता है वो as a manure act करता है। मतलब farmer जो है ये manure को soil में add on करके उनके soil की deficiency को replenish कर सकते हैं। Then fertilizer, तो fertilizer जो होते हैं वो man-made होते हैं, जो कि particular nitrogen या फिर particular nutrients से rich होते हैं। मतलब फार्मर जो है ये पर्टिकुलर फर्टिलाइजर ऐड करके उनके सॉइल को रिप्लेनिश कर सकते हैं। देन फार्मर में लेग्यूमिनस प्लांट रिप्लेनिश द सॉइल फ्रॉम द नाइट्रोजन, बिकॉज हमने अभी अभी देखा है कि लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट्स के ऊपर राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन का काम करता है। अगर प्लांट्स मतलब वहां पर लेग्यूमिनस प्लांट्स को अगर फार्मर ग्रो करेगा तो उनकी सॉइल जो है वो नाइट्रोजन से रिप्लेनिश हो जाएंगी। सो अब हम हमारे टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और अब तक आपने स्टार मार्क एजुकेटर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू द स्टार मार्क एजुकेटर चैनल। एंड आई एम नेहा साइनिंग अप फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।